हम आपका काम सिखाएंगे आपको। आप बार बार बोल रहे हो यार बस करो बस करो। आपको इंटरव्यू लेना था ना, आप ले चुके ना? ले चुके था, बोल रहे हैं ना, फिर जा रहा है थोड़ी ना, एक मिनट का पूछे। नहीं नहीं हमको कोई वो नहीं, आपको जो करना कराना आप उसमें। मैं तो आप लोगों की राय, आप हो या आपके समाज के लोग हैं या आपके देश के लोग हैं, हम लोग उसमें कुछ रद्द बदल नहीं कर सकते। हमारा तबीयत ठीक नहीं ना, हम क्या कुछ बोल नहीं पाएंगे, तबीयत हमारी। अरे हमारी तबीयत, हाँ आप बताइए। ठीक नहीं, कोई बात कर रहे हैं यार इतना। हम उस बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो कुछ फैसला हुआ कोर्ट का था उसमें वो जो जिसने फैसला सुनाया और जिसने सुना वो जाने। ऐसे तो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद आज भी हमारे दिल में जिंदा है, वहीं बनाएंगे फिर मस्जिद। वो तो मरते दम तक हर मुसलमान के दिल में जिंदा रहेगी। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? अब हमको अच्छा क्या लगेगा, हमारी चीज़ बिगड़ गई तो हम क्या, हमको अच्छा लगेगा? राम मंदिर बन रहा है भव्य तरीके से, उसको लेकर के क्या राय है आपकी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब हमको क्या लगेगा उसमें, जो है कि अब बनने वाली चीज़ है, बना रहे हैं, बनावे उसमें, अब उसमें हमको क्या करना है भाई। फिर भी हिंदू समाज के लिए बन रहा है, हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा की बात की जाती है, आप नाराज हैं या खुश हैं? विवादित था कहे कि ज़्यादा वो। हम नाराज भी होकर हम क्या कर सकते हैं भाई, मान लीजिए नाराज भी होते, नाराज भी होकर क्या कर सकते हैं भाई? आपका चीज़ है, आप बनवा रहे हैं, आप उसमें जो है सब लोग सहमत हैं तो आप लोग बनवाइए। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? अब हमको अच्छा क्या लगेगा, हमारी चीज़ बिगड़ गई तो हम क्या, हमको अच्छा लगेगा? इतना डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या का एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन मिल गया, कई लोग आएंगे, विकास होगा। अच्छी चीज़ है वो तो, बड़ा अच्छा चीज़ है भाई कि विकास हो रहा है कम से कम। इतना भव्य तरीके से मंदिर बन रहा है, देखे हैं निर्माण हो रहा है वो? भाई हम तो गए नहीं देखने उखने कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। सड़क से गुजरे होंगे तो देखे नहीं होंगे? नहीं हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं भैया, अब क्या बताएं हम। क्या भाई साहब क्या हमारा तबीयत ठीक नहीं ना, हम क्या कुछ बोल नहीं पाएंगे, तबीयत हमारी। अरे हमारी तबीयत, हाँ आप बताइए। ठीक नहीं, कोई बात। बात कर रहे हैं यार इतना दूर से आए बात करने के लिए, कैसा लग राम मंदिर का निर्माण जो है उससे मुस्लिम समाज क्या सोचता है, आपसी भाईचारा के लिए क्या संदेश इसको लेकर के दिखा रहे हैं, या फिर कुछ मलाल है या मस्जिद के लिए आप लोग कुछ? मलाल नहीं, हमें इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी, जो है सब ठीक है बस। जैसे निर्माण हो रहा है तो अयोध्या का विकास होगा, जो रहेगा हमारे अब आपके सामने ही रहेगा। देख नहीं रहे निर्माण हो रहा है तो? एयरपोर्ट मिल गया, रेलवे स्टेशन मिल गया, लोग कह रहे हैं कि लोग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, ऐसा कुछ लगता है? अरे तो जब आगे काम होगा तो देखा जाएगा, जो होगा तो सब आपके हमारे सामने ही रहेगा, उसमें कोई दो राय थोड़ी नहीं है। कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण से मुस्लिम समाज जो है इधर मोहल्ले का वो खुश है या नाराज है, क्या है? देखिए सबकी राय तो हमें नहीं पता, जो है बस ठीक है हमें। हाँ योगी सरकार कैसे लगते हैं? ठीक है, वो भी अपनी जगह पे। क्या अच्छा लगता है, लोग तो कहते हैं कि टारगेट करके काम करते हैं, अपनी जगह वो भी ठीक है। आप क्या कहेंगे, आप कुछ दूसरा बोल? हम कुछ नहीं बोलेंगे उसमें, हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम क्या बोले? अरे जो करना कराना आप लोग करिए, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पूछेंगे। नहीं नहीं हमको कोई वो नहीं, आपको जो करना कराना आप उसमें। मैं तो आप लोगों की राय, आप हो या आपके समाज के लोग हैं या आपके देश के लोग हैं, हम लोग उसमें कुछ रद्द बदल नहीं कर सकते। जो करना है आप लोग करते रहे और करते रहेंगे, हम उसमें कोई रद्द बदल उसमें कोई हमको। योगी जी कैसे लगते भाई? योगी जी अपने जगह पे है, हम लोग अपने जगह, हम लोग मजदूर पैसे वाले आदमी है, काम करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। क्या मजदूरी करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बैठे हैं। तो आपको लगता है आप तो काफ़ी अनुभवी है, जो काम भी किए हैं, मंदिर बनने से व्यवसाय वगैरह बढ़ेगा, आसपास के क्षेत्र का विकास होगा? अब उस मामले में हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, अब वो हमारे नेतागण जाने, हमारे अधिकारी जाने। हाँ। हाँ। तो आप लोगों के जो लिए जो मस्जिद की ज़मीन दी गई है मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उस पर लगातार आप नींव रखने के? यहाँ रहे हैं, मस्जिद मिली है 20 किलोमीटर दूर, तो हमको क्या फ़ायदा है उससे? तो सबका है ना, अब हमको नहीं उसको मतलब है। उस मस्जिद से आपको मतलब नहीं है? अब क्या मतलब है हमको भाई, 20 किलोमीटर दूर हम जाएंगे वहाँ नमाज पढ़ने? आपके समाज के लोग तो जाएंगे ना? अब समाज के लोग जाएँ, जहाँ बन रहा है वहाँ लोग जाएँगे अपना।
कुछ लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए भव्य मंदिर बना दिया जा रहा है, हमारा मस्जिद के का जो ज़मीन है वहाँ पे भैंस चारा चर रहा है। अब वो वहाँ के लोग मसला समझें उसको, जो उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मंदिर बनने से आप नाराज़ हैं या खुश हैं, थोड़ा सा एक लाइन बता दीजिए। हम उस बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो कुछ फैसला हुआ कोर्ट का था उसमें वो जो वो जिसने फैसला सुनाया और जिसने सुना वो जाने। ओवैसी को जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो है आप लोगों के नेता कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी नेता हैं। अरे टीवी वी पे देखा है सुना है, और हम क्या जाने उनको। ओवैसी तो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद आज भी हमारे दिल में जिंदा है, वहीं बनाएंगे फिर मस्जिद। वो तो मरते दम तक हर मुसलमान के दिल में जिंदा रहेगी, मस्जिद है भाई, दीनी मामला है, तो जिंदा रहेगी रहेगी। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी वहाँ पे, ऐसा कुछ हम नहीं बता पाएंगे उसके बारे में। क्या प्रेस कर रहे हो भैया? ए भाई, आपको प्रॉब्लम क्या है बताइए, प्रॉब्लम क्या है बताइए यार। राय ले रहे हैं, आराम से राय ले रहे हैं, राय दे चुके हैं ना अपनी, बोल तो रहे हैं यार। आपको क्या तकलीफ हो रहा है बताइए? तकलीफ हमें नहीं हो रही है, तकलीफ आपको, आपको कुछ बोलना है? तकलीफ आपको है। मुझे क्या तकलीफ? कुछ नहीं बोलना है, जो था हमने बता दिया। आप इतना क्यों बस करो, बंद करो, बोल रहे हैं बताओ। आप हमें, अब मेरा काम सिर्फ, आपको नहीं बोलना, आप मत बोलो। अब ये जब बोल रहे थे, हम आपका काम सिखाएंगे आपको। आप बार बार बोल रहे हो यार बस करो बस करो। आपको इंटरव्यू लेना था ना, आप ले चुके ना, ले चुके तब बोल रहे हैं ना, फिर जा रहा है थोड़ी ना, एक मिनट का चल रहा है। आप एक घंटे मिलके क्या सबकी राय लेंगे? राय हमको दिखाना चाह रहे हैं हम लोग कि जो आपसी भाईचारा है वो कायम है, या फिर जिस तरह से भव्य तरीके से मंदिर बनाया जा रहा है, क्या मस्जिद भी सरकार बनाएगी, ये तमाम चीज़ों को हम मन में जो था वो बता दिया ना आपको सपने, तो बात क्लियर, बात खत्म हो गई ना। तो क्या जिस तरह से भव्य मंदिर बन रहा है, मस्जिद भी बनना चाहिए, कहा जा रहा है मक्का मदीना के तर्ज पर यह मस्जिद बनाई जाएगी। बातचीत करो, यहाँ सब गंवार आदमी बैठे हैं, इसमें आदमी क्या हुआ, ऐसे कैसे नौकरी करके? कुछ नहीं, नौकरी करते थे, जो हथौड़ा छाप काम करते थे हम। गुस्सा का हो रहे हो, गुस्सा होंगे आपसे। एक सवाल बता दो, क्यों आप असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं? हाँ जानते, क्यों नहीं ना, ऐसे लगते हैं ठीक है अपनी जगह पर, वो भी ठीक है। हाँ, उसको सामने से देखे या टीवी वगैरह? नहीं सामने से तो अभी मैंने नहीं देखा, टीवी वगैरह पे सिर्फ। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान के नौजवानों तैयार रहो, और भी मस्जिदों पर तैयारी की जा रही, इस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको कैसे? नहीं भाई, हमने ऐसा बयान कोई नहीं सुना है, इसके बारे में हमें नहीं नॉलेज। सही है या गलत? हमें नहीं नॉलेज इसके बारे में, हमने नहीं सुना इसके बारे में। कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद आज भी दिल में जिंदा है। हमने अभी नहीं सुना ऐसा कोई बयान, तो हम क्यों बताएं इस पर, हम क्यों टिप्पणी? मलाल है क्या मस्जिद की जगह मंदिर होगा? हमें क्यों मलाल होगा, जो है अपनी जगह पर सब ठीक ही है बस। हाँ,